आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम 100 में स्वागत है आपका। मैं हूँ आपके साथ में श्वेता गर्ग, और आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर। नितिन गडकरी का ऐलान, अमेरिका की तरह उत्तर प्रदेश में बनाएंगे सड़कें, अगले 5 साल में देंगे 5 लाख करोड़। दिल्ली में जल्द लग सकता है नाइट कर्फ्यू, ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले को देखते हुए सरकार ले सकती है फैसला। बेफोर्स दलाली मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए आवेदन। असंगठित क्षेत्र का हर तीसरा श्रमिक ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत, केंद्रीय श्रम मंत्री ने दी जानकारी। देश में जल्द शुरू होगी नेजल और दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन, पीएम मोदी ने किया ऐलान। अटल जयंती पर भाजपा ने शुरू किया नया अभियान, पार्टी फंड में पीएम मोदी ने दिए 1,000 रुपए का चंदा। पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, फ्रंटलाइन वर्करों को प्रिकॉशनरी डोज, 15 साल से ऊपर के किशोरों को लगेगा टीका। केंद्रीय मंत्री आर के सिंह बोले, ग्रीन हाइड्रोजन निर्यात का हब बनेगा भारत। पश्चिमी विक्षोभ से बदलेगा मौसम, पहाड़ों पर 4 दिन तक भारी बर्फबारी या येलो अलर्ट, सर्द हवाओं से बढ़ेगी मुश्किलें। बिहार में नए साल में बदला दिखेगा प्रशासन, मुख्य सचिव लेकर आया कई आयोगों में दिखे नए चेहरे। किसान संगठनों की बड़ी घोषणा, पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों पर लड़ेंगे चुनाव, राज्यपाल सीएम फेस। लुधियाना में एक ही परिवार के 7 सदस्य कोरोना पॉजिटिव, अमेरिका व कनाडा से आए थे छुट्टियां मनाने। गवर्नेंस से गुड गवर्नेंस की ओर बढ़ा हरियाणा, सुशासन दिवस पर बोले सीएम मनोहर लाल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कारकेड में होगी मर्सिडीज रेंज रोवर और 12 फॉर्च्यूनर। बर्फबारी होते ही पर्यटकों से गुलजार हुआ गुलमर्ग, क्रिसमस के नए साल पर विंटर कार्निवाल की धूम। यूपी की स्वास्थ्य सुविधाओं पर असुविधा, ओवैसी का तंज, बोले नाम फिरोजाबाद, इसलिए बच्चों को आया बुखार। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फेंसिडिफल कफ सिरप से 2 सप्लायर को बड़ी राहत दी, कहा यह नारकोटिक ड्रग नहीं। मुरादाबाद के जैनुल अबिदीन ने तोड़ा अमेरिका के धावक का रिकॉर्ड, रनिंग मशीन पर लगातार 12 घंटे तक लगाई दौड़। प्रसंग में लखनऊ निवासी युवक की सीतापुर में हत्या, पुलिस ने आरोपित महिला को किया गिरफ्तार।
तो गढ़िया ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा, बोले सिर्फ बातें ना करे सरकार, मैं तो हिंदू के लिए काम करके दिखाए। औरैया में भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया कार्यक्रम का आयोजन, सपा पर जमकर बरसे साक्षी महाराज। अयोध्या में अबू धाबी में बनेगा राम मंदिर, अयोध्या वासी कराएंगे मंदिर का निर्माण। बलरामपुर में दो दुकानदारों में हुई हिंसक झड़प, एक दुकानदार ने खुद पर किया वार। बांदा चोर हुए ईमानदार, लौटाया चोरी का सामान। फतेहपुर में कांग्रेस महिला जिलाध्यक्ष ने किया जनसंवाद, कई गांव में हुआ जनसंवाद का आयोजन। लखीमपुर में युवक की गला रेत कर गन्ने के खेत में शव हुआ बरामद। रायबरेली में भ्रष्ट लेखपाल ने जीवित महिला को साबित किया मृत, बुजुर्ग महिला को दिखाया मृतक। सिद्धार्थनगर में कांग्रेस प्रतिज्ञा सम्मेलन का हुआ आयोजन, जनसभा में लोगों की जुटी भीड़। प्रतापगढ़ में जनता को नितिन गडकरी की सौगात, राष्ट्रीय राजमार्ग का किया शिलान्यास। चंदौली में केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री का पलटवार, पुलिस प्रशासन रहा मुस्तैद। कानपुर में अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या, जमीन को लेकर चल रहा था विवाद। अलीगढ़ में कोर्ट के आदेशों का पलीता, वारंट जारी होने के बावजूद नहीं हुई कोई गिरफ्तारी। अलीगढ़ में पूर्व मेयर शकुंतला भारती के बिगड़े बोल, विपक्षी पार्टियों को बताया गुंडा पार्टी। बलिया में सपा के कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन, राष्ट्रीय महासचिव ने जमकर साधा निशाना। वार्ता में नवेली बुंदेली अभियान की अनोखी शुरुआत, कन्याओं का जन्मदिन मनाएगा प्रशासन। देवरिया में सपा राष्ट्रीय सचिव का हुआ जोरदार स्वागत, कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं के साथ किया स्वागत। देवरिया में प्रदेश उपाध्यक्ष का लोगों ने किया स्वागत, भारतवासी पार्टी ने घोषित किया प्रत्याशी। फरुखाबाद में सपा जिला कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन, प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर गरमाई राजनीति। गाजीपुर में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल पहुंचे गाजीपुर, मदन मोहन मालवीय की जयंती में हुए शामिल। मथुरा में दो पक्षों में हुई हिंसक झड़प, घर में घुसकर की चाकूबाजी।
मैनपुरी में इलाज के बहाने हुआ धर्म परिवर्तन, पुलिस प्रशासन में मचा हड़कंप। मऊ में ओवरब्रिज से उतर रहा रोलर पलटा, मौके पर चालक की हुई मौत। मऊ में गरजे सतीश चंद्र मिश्रा, योगी राज में ब्राह्मणों का हुआ एनकाउंटर। रायबरेली में जिले की कानून व्यवस्था हुई ध्वस्त, अपराधियों में नहीं रहा कानून का खौफ। शाजापुर में पुलिस लाइन सभागार में हुई बैठक, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हुई बैठक। बाजपुर में अवैध खनन को लेकर हुई फायरिंग, दो पक्षों में जमकर चली गोलियां। कलियर में पूर्व मुख्यमंत्री का हुआ जोरदार स्वागत, हरीश रावत का स्वागत करने पर खूब से। उत्तराखंड दौरे पर जाएंगे जेपी नड्डा, चुनावी तैयारियों का लेंगे जायजा। हिल स्टेशन मसूरी वीकेंड पर पर्यटकों से हुआ पैक, दिन भर रेंगते रहे वाहन, पुलिस को बहाना पड़ा काफी पसीना। यूकेडी के अध्यक्ष एरी का आप सरकार पर हमला, बोले दिल्ली की हवा के साथ वहां की राजनीति भी दूषित। अल्मोड़ा विजय संकल्प यात्रा से शक्ति प्रदर्शन के दौरान विधायक विरोधी लगे नारे। कुर्सी के लिए चुनाव लड़ते हैं भाजपा और कांग्रेस, कालका जी से विधायक आतिशी ने दिया ये बयान। उत्तराखंड बोर्ड के 25 मेधावी छात्र छात्राओं का हुआ सम्मान, गढ़वाली नाटक कमली का मंचन। कांग्रेस में और पेचीदा हुआ टिकटों का बंटवारा, हरीश रावत के निर्णायक भूमिका में आने से विरोधी हो रहे एकजुट। धर्म संसद प्रकरण में नामजदगी बढ़ाने की मांग, दो और तहरीरें। विकिया सैंड में खाई में गिरी कार, हादसे में 6 लोग घायल, 3 की हालत गंभीर। रामगढ़ में बनेगा विश्वभारती केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर, बनाने की दिशा में उठाए जा रहे अहम कदम। पिथौरागढ़ के मयंक कापड़ी ने अतरंगी रे फिल्म के लिए एआर रहमान के साथ गाया गाना। हल्द्वानी में पीएम मोदी की रैली के लिए भव्य मंच तैयार करने में जुटी इवेंट कंपनी, घर घर पहुंच रहा निमंत्रण। मतदान के लिए मोदी सुपात्र नेता, अल्मोड़ा के विजय संकल्प यात्रा में बोले अजय भट्ट। फ्रांस में कोरोना मचा रहा कोहराम, 24 घंटे में मिले रिकॉर्ड कई लाख संक्रमित।
चीन में लड़ाकू विमानों ने फिर लांगी सीमा ताइवान के डिफेंस जोन में भेजे एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट। ब्रिटेन ने स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों के लिए वीजा नियमों को दी ढील, जल्द कर सकेंगे आवेदन। हाउथी विद्रोहियों ने साउदी के शहर को बनाया निशाना, दो की मौत और सात हुए घायल। म्यांमार में सैन्य जुटा में क्रूरता की भी सभी हदें पार, 30 लोगों की हत्या के बाद जला दिए शव। नासा ने लॉन्च किया दुनिया का सबसे शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप, ब्रह्मांड की गुत्थियों को सुलझाने में मिलेगी मदद। पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान के कुनार जिले में मोर्टार दागे जाने के बाद भड़का तालिबान, इमरान खान की सरकार को दी जवाबी हमले की चेतावनी। इमरान खान को बड़ा झटका, निकाय चुनाव में हराने के बाद पार्टी के संगठित ढांचे को किया बंद। अमेरिका ने पाकिस्तान को फाइजर वैक्सीन की 50 लाख खुराक दान में की। अफगानिस्तान में बुनियादी संसाधनों का भी अकाल, बिजली की किल्लत से जूझ रहे देश के लोग। मार्च में लॉन्च होगी स्कोडा की ये मीडियम बजट वाली कार, के इंटीरियर में नहीं दिखेगा ज्यादा बदलाव। जल्द लॉन्च होगा ऑनर का नया फोल्डेबल फोन ऑनर मैजिक वी फोकस स्नैपड्रैगन। देश में हर तीसरा कामगार ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर, 1 करोड़ के पार हुआ रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा। ओकाया ने लॉन्च किया हाई स्पीड स्कूटर फास्ट, महज 1,099 रुपए में करे बुक। क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाने के मामले में महिलाएं निकली पुरुषों से आगे, द ईयर ऑफ क्रिप्टो ने जारी की रिपोर्ट। सरकार बजट से पहले देगी तोहफा, कर्मचारियों का बेसिक पे 18,000 से बढ़ाकर 26,000 रुपए। ईपीएफओ ने सभी पीएफ अकाउंट होल्डर्स के लिए जारी की जरूरी सूचना, पीएफ की रकम नए अकाउंट में घर बैठे कर सकते हैं ट्रांसफर। जियो का हैप्पी न्यू ईयर प्लान लॉन्च, कंपनी ने 2,545 रुपए वाले प्लान की वैलिडिटी साल भर की, इस रिचार्ज से आपके बचेंगे 239 रुपए। एनपीएस के बदल चुके हैं कई बड़े नियम, 5 लाख तक रकम निकालना टैक्स फ्री, 75 साल तक मिलेगी पेंशन। डिश टीवी प्रमोटर ग्रुप की कंपनी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में दी अर्जी, कहा सुनवाई पूरी होने तक शेयर ट्रांसफर पर अमल न करो। जो रूट ने बतौर कप्तान बना डाला असंभव रिकॉर्ड, विराट कोहली से मिलो आगे। हार्दिक पांड्या ने क्रिसमस के लिए की खूबसूरत सजावट, बच्चों ने कुछ देर में बदल दी घर की सूरत।
हिमाचल प्रदेश ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में बनाई जगह, सीएम जयराम ठाकुर ने दी बधाई। रोहित शर्मा फिटनेस टेस्ट में हुए पास, वनडे टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने पहला फिटनेस टेस्ट पास किया, आज हो सकता है फाइनल फिटनेस। टीम इंडिया की खराब शुरुआत, अंडर 19 में पहले ही मैच में झेलनी पड़ी हार, पाकिस्तान के खिलाफ झेलनी पड़ी हार। स्टॉक ने किया जानी बेयरस्टो का शिकार, इंग्लैंड को लगा आठवां झटका। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड को लेनी पड़ी पुलिस की मदद, बड़े खिलाड़ी से जुड़ी गोपनीय रिपोर्ट हुई थी। बज्जी ने इस कप्तान को बताया बेहतर, धोनी और गांगुली की तुलना पर बोले हरभजन, सामने आया दोनों के बीच का बड़ा बयान। वर्ल्ड कप 2011 विनर टीम के ऑटोग्राफ वाले बैट की नीलामी दुबई में लगी इतनी बड़ी बोली। टीम से बाहर होने के बाद बौखलाए हार्दिक पांड्या, फैंस पर सरेआम निकाला गुस्सा। आर्थिक तंगी से जूझ रहे महाभारत के भीम, प्रवीण कुमार ने सरकार से लगाई आर्थिक मदद की गुहार। नोरा फतेह ने कपिल शर्मा के साथ डांस मेरी रानी पर किया शानदार डांस, वीडियो हुआ वायरल। ट्रिपल आर के प्रमोशन के लिए फिल्म के स्टार्स पहुंचे बिग बॉस के हाउस, सलमान खान संग नाचो नाचो पर किया डांस। नुसरत जहां ने अपने लिटिल सेंटा ईशान के साथ मनाया क्रिसमस, बेबी सेंटा के साथ शेयर की पिक। वेलकम के तीसरे पार्ट की शूटिंग 2022 में होगी शुरू, फिल्म में नाना पाटेकर, अनिल कपूर और परेश रावल आएंगे नजर। नताशा और हार्दिक पांड्या फिर बनने वाले मम्मी पापा, क्रिसमस पर नजर आया एक्ट्रेस का बेबी बम। अक्षरा सिंह ने गीता मां के साथ किया सेलिब्रेट, कोरियोग्राफर गीता कपूर के साथ कुछ फोटोज किए शेयर। अर्जुन कपूर ने लेडी लव मलाइका अरोड़ा के साथ बनाया क्रिसमस, एक्ट्रेस के बेटे अरहान साथ आए नजर। वाणी कपूर ने रणबीर कपूर के साथ काम का अनुभव किया शेयर, कहा डाउन टू अर्थ है और बहुत विनम्र है। जैकलिन फर्नांडिस के लिए फीका रहा क्रिसमस, मनी लॉन्ड्रिंग केस की वजह से नहीं जा पाई घर। आज के प्राइम 100 में फिलहाल बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।